क्रीड टू ये एक ड्रामा कम स्पोर्ट मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है स्टीवन केपल जूनियर ने, जो कि ऑलमोस्ट एक नए डायरेक्टर ही हैं। और ये देखते हुए कि ये एक नए डायरेक्टर है, मेरे हिसाब से इन्होंने काफी अच्छी डायरेक्शन की है इस मूवी की। क्रीड टू ये एक सीक्वल मूवी है 2015 में आई क्रीड मूवी की, या यू कहें ये 8th मूवी है पूरे रॉकी मूवी फ्रेंचाइज में, जहां पर रॉकी फ्रेंचाइज की स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है। क्रीड मूवी में हमने देखा कि कैसे एडोनिस क्रीड रॉकी से मिलते हैं और उनको कन्विंस करते हैं ताकि रॉकी इन्हें ट्रेन कर सके बॉक्सिंग के लिए। और आगे जाके हम ये देखते हैं कि कैसे एडोनिस फेमस बॉक्सर रिकी कॉनलन को ऑलमोस्ट हरा देते हैं। तो एडोनिस फाइट नहीं जीत पाते, मगर ये बहुत ही टफ कंपटीशन देते हैं रॉकी कॉनलन को। इसके बाद एडोनिस काफी फेमस हो जाते हैं और लोगों की काफी रेस्पेक्ट भी हासिल कर लेते हैं। इसके साथ साथ एडोनिस और रॉकी के बीच में हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन देखते हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के अलावा इन दोनों का ऑलमोस्ट कोई और है ही नहीं। एडोनिस की सौतेली माँ और एडोनिस की गर्लफ्रेंड के बारे में भी हम काफी कुछ देखते हैं इस मूवी में। और आखिरकार कुछ सांस रोक देने वाले बॉक्सिंग सीक्वेंसेस और मूवमेंट से डायरेक्टर रायन कोगलर हमें काफी इम्प्रेस करते हैं। और इस मूवी का यानी कि क्रीड मूवी का रिव्यू मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। क्रीड 2 में क्रीड 1 मूवी की स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है, जहां पर मूवी मेनली तीन परिवार पर फोकस करती है। पहला रॉकी और उनका खुद का परिवार, दूसरा एडोनिस क्रीड और उनका परिवार, और फाइनली तीसरा आइवन ड्रागो और उनका परिवार। अब जैसा कि हमने पहले मूवी में देखा कि एडोनिस क्रीड अब एक चैंपियन है, तो इस मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें ये दिखाया गया है कि कैसे वो दूसरे बॉक्सर्स को मारकर धोकर अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। क्रीड के पहले मूवी में डैनी व्हीलर करके एक कैरेक्टर था, एक बॉक्सर था, जिससे कभी उस मूवी में मतलब उनको उस मूवी में दिखाया गया, बट एडोनिस के साथ में उनका कभी कोई बॉक्सिंग मैच हुआ ही नहीं। तो मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा था जब मैंने वो मूवी देखी, बट इस मूवी के स्टार्टिंग में ही हम एडोनिस को उनके साथ में लड़ते हुए देखते हैं, एंड आई वाज लाइक वाओ फाइनली इसका इसके साथ में मैच हुआ। तो ये एक अच्छा कंटिन्यूएशन था स्टोरी का, आई मीन लाइक इट शेड मोर लाइट कि आखिर उसमें लड़ाई क्यों नहीं हुई और फाइनली इसमें हुई। बट अगेन मैंने जब वो बॉक्सिंग मैच देखा तो मैंने बोला यार इस कैरेक्टर को तो इसने तुरंत मार दिया, धीरे धीरे करके दिखाया जाता तो शायद से एक थोड़ा और अच्छा इंप्रेशन पड़ता। बट अगेन मूवी के स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही आपको सीरियसली एक ब्लड पंपिंग बॉक्सिंग मैच देखने को मिलता है। वहीं पर बॉक्सिंग तो अपनी जगह पे है ही है, एडोनिस अपने रोमांटिक लाइफ में यानी कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ में भी रिलेशन आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर वो उनसे अब शादी करना चाहते हैं, एंड द वे ही प्रपोजेज हर और क्या क्या होता है जब वो उनको प्रपोज करते हैं, थोड़े फनी मोमेंट्स है, थोड़े इमोशनल मोमेंट्स है, इट वॉज अगेन रियली नाइस टू सी दैट। अगेन दूसरी ओर हम आइवन ड्रागो को देखते हैं उनके हट्टे कट्टे लंबे चौड़े बेटे विक्टर ड्रागो के साथ में, जिनको आइवन बचपन से ही ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो आगे जाकर एक अच्छे खासे बॉक्सर बन सके। जिन्होंने रॉकी मूवी सीरीज नहीं देखी है और जिन्होंने अगेन मेरी क्रीड मूवी की भी रिव्यू नहीं देखी है, उनको मैं ये बता दूं कि आइवन ड्रागो वो बॉक्सर है जिन्होंने एडोनिस क्रीड के पिता अपोलो क्रीड को 1985 में आई मूवी रॉकी 4 में रिंग में मार मार कर जान से मारी दिया था। अगेन आइवन ड्रागो को फाइनली उसी मूवी में रॉकी हरा भी देते हैं, जिसकी वजह से अगेन आइवन ड्रागो की बीवी बेइज्जती फील करती है और वो आइवन को छोड़ देती है। अब अगेन आइवन रशिया से बिलोंग करते हैं, तो हार की वजह से ऑलमोस्ट रशियन के जितने भी लोग होते हैं वो इनकी बहुत बेइज्जती करते हैं और इनको नफरत की निगाहों से देखते हैं, एंड एक तरीके से रॉकी से हार कर ये एक तरह से अपनी पूरी इज्जत खो चुके होते हैं। इसी के चलते आइवन अपने बेटे विक्टर को लड़वाना चाहते हैं एडोनिस क्रीड के साथ, ताकि ये क्रीड और रॉकी दोनों को हरा सके और अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। इतना ही नहीं, इनको ऐसा भी लगता है कि जो इज्जत इन्होंने खो दी थी रशिया के सामने, अपनी बीवी के सामने रॉकी से हारने के बाद में, जब इनका बेटा एडोनिस क्रीड को हरा देगा जिनके रॉकी जो है ट्रेनर है, तो एक तरीके से ये दोनों को हरा देंगे, तो शायद से वो इज्जत इन दोनों को हराने के बाद में रशिया से और इनकी बीवी से इनको वापस मिल सके। अगेन वहीं पर हम रॉकी को भी देखते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने बेटे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हार रहे हैं। वो कोशिश करना चाहते हैं मगर इस डर की वजह से कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगा और उनका पास्ट कनेक्ट करने नहीं देगा, ही इज रियली हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम। अब ये तो अलग बात हो गई, रॉकी ये भी नहीं चाहते कि एडोनिस क्रीड विक्टर ड्रागो से लड़े, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इनसे लड़े तो इनका भी वही अंजाम होगा जो इनके पिता अपोलो क्रीड का होगा, यानी कि शायद से ये जान से मर भी सकते हैं। तो क्या फाइट होगी विक्टर और एडोनिस के बीच, और अगर होगी तो जीतेगा कौन और कैसे? कुछ इसी स्टोरी को हम कुछ बेहतरीन म्यूजिक से और ब्लड पंपिंग बॉक्सिंग सीक्वेंसेस से देखते हैं इस मूवी में। तो क्या ये मूवी अपने पहले मूवी से अच्छी है
या नहीं, और क्या ये आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। क्रीड की पहली मूवी सिर्फ बॉक्सिंग और बॉक्सिंग से भरी हुई थी, विद अ लिटिल बिट ऑफ टच ऑफ रोमांस एंड इमोशंस। वहीं पर ये मूवी बॉक्सिंग तो है ही इसमें, बट इसमें काफी इमोशंस है और एक बहुत ही सैड एंडिंग है। अब एडोनिस काफी कंफ्यूज है कि वो विक्टर से फाइट लड़े या न लड़े। उनके गर्लफ्रेंड के भी साथ में उनका रोमांस बढ़ रहा है, जहां पर वो उनसे शादी करना चाहते हैं, बट बियंका को क्योंकि सुनने की बीमारी है, धीरे धीरे उनकी सुनने की शक्ति जा रही है, तो खुशी के साथ साथ वो उदास भी है इस बात से। अगेन हम एडोनिस का उनकी माँ के साथ में, यानी कि सौतेली माँ के साथ में, बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखते हैं, जहां पर मुझे लगा कि थोड़ा बहुत और सीन होना चाहिए था इनकी माँ का, यानी कि जितने भी सीक्वेंसेस थे इनकी माँ के साथ में, थोड़े बहुत काफी फनी और इमोशनल कर देने वाले सीक्वेंसेस थे, तो मुझे ऐसा लगा कि यू नो 5-6 मिनट थोड़े और होते वो सीन्स तो मूवी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। रॉकी यानी कि सिल्वेस्टर स्टैलोन का मूवी में होने के बावजूद भी हम काफी कम सीक्वेंसेस देखते हैं उनके। अगेन हम उनको एडोनिस को या तो ट्रेन करते हुए देखते हैं, या तो फिर इमोशनली उन्हें सपोर्ट करते हुए देखते हैं, या फिर वो अपने खुद के बेटे से जब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तब देखते हैं, दैट्स इट। बट अगेन जैसा कि मैंने पहले रिव्यू में कहा था, मूवी में सिर्फ इनका होना ही इस मूवी को ऑलरेडी हिट कर देता है। बॉक्सिंग सीक्वेंसेस अगेन कमाल के थे। आई मीन लाइक मूवी के स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही आपको एक क्लियर कर दिया जाता है कि बॉस यू आर वॉचिंग अ बॉक्सिंग मूवी। मूवी के एंड में ऑलमोस्ट आधे घंटे का बॉक्सिंग सीन है, जो कि पता ही नहीं चलता ऐसे खत्म हो जाता है, और मुझे याद है कि हर एक पंच के साथ में मेरी सांसें रुक जाती थी। That's how impressive the boxing sequences were. सिर्फ एक चीज नहीं अच्छी लगी मूवी की, वो ये कि इस मूवी का मेन प्लॉट यानी कि आइवन ड्रागो और उनके बेटे विक्टर ड्रागो थे, तो उनके बारे में इस मूवी में कुछ और बताना चाहिए था। बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिला है उन लोगों को, एंड मैं लाइक उनके पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया। आइवन ड्रागो के पास्ट के बारे में बताना चाहिए था कि जब वो रॉकी से हारे तो क्या बीती उनके ऊपर, ये हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। शायद से रॉकी मूवी सीरीज में बताया गया है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं बताया गया। तो एटलीस्ट इस मूवी में 2 या 3 मिनट का ही सही, मगर कुछ बताना चाहिए था कि आइवन ड्रागो कितने फ्रस्ट्रेटेड है, वो कैसे जीतना चाहते हैं, अपनी वो बेइज्जती का बदला लेना चाहते हैं या इज्जत कमाना चाहते हैं, उनकी बीवी जो उनको छोड़ के गई है उनका यू नो कितना दुख है, वो रॉकी को कहीं ना कहीं ब्लेम करते हैं, कुछ दिखाना चाहिए था। जितना एडोनिस क्रीड के ऊपर फोकस दिया उतना इनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए था। आई मीन लाइक 5 या 10 मिनट अगर यू नो इस मूवी को बढ़ा दिया जाता तो आई डोंट थिंक सो। उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि 5-10 मिनट बढ़ाने के बाद में इस मूवी को देखने में और भी मजा आता, विच आई थिंक इस मूवी ने कम्प्लीटली मिस कर दिया। इसके अलावा मूवी काफी परफेक्ट थी और मुझे ऐसा लगता है कि काफी कुछ नई चीजें हमें देखने को मिली। जैसे एक फाइट में बियंका गाना गाती है जब एडोनिस की एंट्री होती है। 1985 मूवी की बैकग्राउंड म्यूजिक यूज की गई है फाइटिंग सीक्वेंसेस के बीच, जो कि एक अलग ही फील देती है आपको। एंड मूवी सीक्वेंसेस में ऑलमोस्ट वही माहौल बन जाता है जब 1985 की मूवी में अपोलो क्रीड और आइवन ड्रागो लड़ते हैं तब। आई मीन लाइक इस मूवी में ऑलमोस्ट वही फील दिया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कंफ्यूज हूँ कि इस मूवी की एंडिंग मुझे पसंद आई या नहीं पसंद आई। आई मीन लाइक ऑफकोर्स मूवी की एंडिंग अच्छी थी, बट जिस नोट पर वो एंड हुई मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं एडोनिस के लिए खुश रहूँ या विक्टर ड्रागो के लिए उदास रहूँ। आई मीन लाइक एंड सीक्वेंसेस में आप लिटरली आइवन ड्रागो को, रॉकी बैल्बोआ को और विक्टर ड्रागो को, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देख सकते हैं कि ये तीनों कितने उदास है। आइवन ड्रागो और विक्टर ड्रागो क्यों उदास है ये तो पता है, लेकिन रॉकी बैल्बोआ इनको देखते हैं और वो भी उदास हो जाते हैं, बिकॉज रॉकी ये फील कर रहे हैं कि ये दोनों किस इमोशंस के थ्रू जा रहे हैं, मतलब क्या दर्द फील कर रहे हैं, ये रॉकी को पता है, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं उदास हो गए हैं। बट ऑन दी अदर हैंड हम ये भी देखते हैं कि एडोनिस और उनकी बीवी और यू नो उनकी माँ जो है सौतेली, वो बहुत खुश है बिकॉज दे हैव वन द मैच। बट जब आप ये मूवी की एंडिंग देखेंगे आप लिटरली कंफ्यूज हो जाएंगे, आप न तो एंजॉय कर पाएंगे और न ही आप बराबर से उदास हो पाएंगे। आई मीन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रांग इमोशन से भरा, खुशी से भरा और उदासी से भरा एंडिंग था इस मूवी का। इसके अलावा आई थिंक मूवी में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ में बात करना चाहता हूँ, बट आई विल स्टॉप हियर बिकॉज इस मूवी का रिव्यू काफी लंबा खींच रहा है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10।
एग्जैक्टली वही रेट दूंगा जो कि मैंने इसकी पहले मूवी को दिया। सो ये था हमारा रिव्यू मूवी क्रीड 2 का। आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।